Hindustan.com, मैं हूँ आपके साथ इक्षा भारतीय। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीआईजी का पद अपने आप में बहुत ही बड़ा होता है। प्रोटेक्शन फोर्स का मतलब है जो किसी की रक्षा करे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही सामने आ रहा है। जब चलती ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीआईजी ने एक रेल अधिकारी की पत्नी के साथ ट्रेन में छेड़छाड़ जैसी वारदात को अंजाम दिया है। देखिए पूरी खबर हमारी रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस में हुआ है, जहां आरपीएफ के डीआईजी विजय खातरकर पर एक रेल अधिकारी की पत्नी द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाए जाने के बाद जीआरपी जबलपुर में खातरकर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर केस डायरी को गाडरवारा जीआरपी को भेज दिया गया है। इस मामले की जाँच एएसपी प्रतिभा पटेल द्वारा की जाएगी। जिस महिला के साथ ये घटना हुई है और जिस महिला ने केस दर्ज कराया है, उसके पति रेलवे में ऑपरेटिंग विभाग में है। ये घटना इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के एसी कोच में बैठी हुई एक महिला के साथ हुई, जो कि जबलपुर जा रही थी। महिला ने बताया कि जब ट्रेन रवाना हुई तो डीआईजी खातरकर ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। महिला ने अपने साथ यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों को इस बात की जानकारी दी तो डीआईजी ने पानी की बोतल उठाने के बहाने गलती से हाथ लग जाने का कारण बता दिया। महिला ने इस बात की सूचना अपने पति को दी और सूचना पाकर पति अधिकारियों के साथ स्टेशन पर पहुंच गए थे और मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीआईजी विजय खातरकर पर जीआरपी जबलपुर में प्रकरण दर्ज किया गया और केस की डायरी गाडरवारा जीआरपी को भेज दी गई। मामले की जांच महिला एसपी प्रतिभा पटेल द्वारा की जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।